प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। दिल सा दोस्त न दिल सा दुश्मन, कौन इसे पहचाने हो। बेगाने अपने लगते बेगाने हो। प्यार मोहब्बत गुस्सा नफरत दिल में कई खजाने, दिल दरिया समुंदरों डूंगे, कौन दिला दी जाने, कौन दिला दी जाने। पुल के बन जाते हैं दुश्मन यार पुराने, हंसते हंसते चढ़ जाते हैं सूली पर दीवाने, दिल दरिया समुंदरों डूंगे, दिल दरिया समुंदरों डूंगे, कौन दिला दी जाने। दानी आओ, आ बिटिया देर हो रही है। आजा। कैसी है बेटा? ठीक। अरे बेटा ठीक है बेटा, और सब ठीक है? ठीक। भाई दुकान ठीक चल रही है? तू उधर कहाँ जा रही? ताया जी के घर। मसी सत श्रीकाल। हर श्रीनाथ, हर श्रीनाथ। मसी जी, इन बच्चों में मेरा बेटा नंदू होगा, जरा बुलवाइए तो। कोची कौन नंदू? आप नंदू को नहीं जानते? कबड्डी का सबसे अच्छा खिलाड़ी है वो। कोची कहीं आप वो नंद किशोर का बात तो नहीं करता है? उसी का तो बात कर रहा हूँ मैं। मेरा बेटा है ना नंद किशोर, आपका बच्चा है। हा? क्यों, आपको कोई शक हो रहा है क्या? शक नहीं है, आप खुद अपना बच्चा को क्यों नहीं पहचान सकते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, मास्टर जी मिट्टी में लिपटे सब मुझे भूत नजर आ रहे हैं, मैं लड़का तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। ठीक कहते हैं सरदार साहब, ठीक कहते हैं, अभी बुलाते हैं खोचो नंदू और नंद किशोर। आया मास्टर जी। तारी पता है जी। जिंदा पुत्र। मास्टर जी ये कुछ पढ़ता वढ़ता भी है या सारा दिन कबड्डी कबड्डी करता रहता है? ताया जी अब पछताए क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत। हैं? चिड़िया खेत चुग चुकी है? इसका मतलब है इम्तिहान हो चुका है। ओहो, मैं तो चिड़िया चुग गई खेत का मतलब समझा था कि नंद किशोर फेल हो गया। खोची इसका मतलब है कि अभी इम्तिहान का रिजल्ट निकलने को बाकी है। तो इसका मतलब हुआ कि चिड़िया खेतों में बैठी है, खेत तो नहीं चुगा। नंदू
खूब मेहनत किया कर, खूब वर्जिश किया कर। क्यों ताया जी? वो इसलिए पुत्र कि अगर चिड़िया वाकई खेत चुग गई तो सेहत नहीं काम आना है। बीजी नीचे आके मेरी पगड़ी की पोनी कराओ, मेरे को दुकान के लिए देर हो रही है। इतना भारी हाथ उस मंदूक पर पड़ता तो वो तो बेचारी मर ही जाती। मर जाती तो अच्छा था, कम से कम हमारे घर की बेइज्जती तो ना कराती। शर्मा वो बच्ची मेरी बड़ी, बड़ी हो गई है। बड़ी हो गई तो भेजो इसे अपने घर, शादी कर दो इसकी। पता नहीं तुम दोनों भाई इसके पीछे क्यों पड़े रहते हो। ताई जी इसलिए कि मैं चली जाऊँ तो इनके नाम पे ना शादी का बड़ा चाव। शादी का बड़ा चाव? सिर्फ पैसा डाल रखा है ऐसे? जो चीज हो, मिठाई हो रानी के लिए, कपड़े हो रानी के लिए, लेकिन हम तो जैसे कुछ है ही नहीं। आप नवाब है बस, हर साल क्लास में दो बार फेल होते हैं। आपने तो जैसे बड़ा बीए कर लिया ना। मैं अपने धंधे को तो जानता हूँ ना अच्छी तरह। आया जी आप जब देखो मिंदर भापे के पीछे पड़े रहते हो। नंदू कोई लाड़ साहब है, उसे तो कोई कुछ कहता नहीं है। ये दूसरा साल है तेरे बेटे के फेल होने का और तुझे मालूम नहीं है किस तरीके से मैंने उसकी फीस भरी है। चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्लाऊंगा, सारी दुनिया को सुनाना है क्या? सुनाऊंगा। दुकान पर नहीं गया पुत्र? तबीयत तो ठीक है? क्या बात है पुत्र, बोलता क्यों नहीं? नंदू फिर फेल हो गया है। मैं मर जाऊंगा। नंदू फिर फेल हो गया? खा मेरे सिर की सौ। बीजी मैंने आपको कितनी बार कहा मुझे कसम खाने के लिए ना बोला करें, मुझे किसी की उम्र नहीं घटानी। भाई गुरु मेर करें, परचाई का तो बहुत बुरा हाल होगा, राजू तो बहुत घबरा रहे होंगे। हम सबको इस नंदू पर कितनी उम्मीदें थी, मैं भी जाकर देखती हूँ। ना बीजी ना, उधर गम के मारे सब बेहाल हो रहे होंगे, आप जाकर उन्हें और दुख देंगी। मन छोटा नहीं करते, अब वो पास थोड़े ही होगा। तुम लोग नहीं समझोगे, और तुम लोग ये क्यों नहीं समझते कि ये नतीजा नंद किशोर का नहीं मेरा निकला है। सारी जिंदगी मैंने छोटे छोटे काम करके किसी तरीके से गृहस्थी चलाई। मैं सोचता था कि लड़का पढ़ लिख करके सरकारी मुलाजिम होगा, घर की शान बढ़ाएगा, कुछ इज्जत बढ़ाएगा। इसने मेरे सारे इरादों पर पानी फेर दिया। हाय हाय, तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे मैट्रिक ना पास करने से अभी वो दुनिया में कुछ कर ही नहीं सकता। कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, अगर उसके बाप की टकसाल हो तो, उसके बाप का कारखाना चल रहा हो तो। अगर मेरा भी कारखाना चल रहा होता तो मैं इसे खपा लेता, बड़ी सी दुकान होती तो तुमने साथ शामिल कर लेता मैं इसे। लेकिन इस छोटी सी तेल और साबुन की दुकान पर कहां बैठूं मैं और कहां बिठा लूं उसे। हमारी दुकान बड़ी नहीं तो क्या है, ताया जी की तो है, उनसे कहो ना फिर को अपनी दुकान पे रख ले। हाँ नंदू के पिता, रानी ठीक कहती है, तुम जाकर जेठ जी से कहो कि नंदू को अपने दुकान पर रख ले।
और अपनी नाक कटा लूं, हैं? हाय हाय, बड़े भाई के पास जाते हुए इनकी नाक कटती है। ठीक है, तुम मत जाना, मैं ले जाऊंगी उसे। पिताजी मेरा, यकीन कीजिए पिताजी, मैं ताई जी की दुकान पर जी तोड़ कर मेहनत करूंगा पिताजी, ना पूरा दिल लगा दूंगा मैं। इस बार मेरी वजह से आपको कोई शर्मिंदगी नहीं होगी पिताजी, मैं वायदा करता हूं। शर्मिंदा तो तू मुझे पहले भी दो बार कर चुका है मेरे पुत्र। तूने 2 साल कितनी कड़ी मेहनत की, नहीं? लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? अब बार बार एक ही बात को दोहराओगे क्या? मैं कहती हूँ उसे ले जाओ भाई मोहन सिंह के पास, मुझे विश्वास है इसे वो फौरन अपनी दुकान पर रख लेंगे। वो तो रख ही लेंगे क्योंकि वो मेरा यार, वो मेरा भाई है, लेकिन मैं किस मुंह से जाऊं उसके पास और मांगू क्या उससे खैरात? तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते हो कि तुम भाई मोहन सिंह को अपना भाई मानते ही नहीं? वाह राम प्यारी वाह, अगर मोहन सिंह मेरा भाई नहीं तो फिर क्या है, वो मुझे अपने सगों से ज्यादा प्यारा है। तो फिर शर्म की बात क्यों कर रहे हो? शर्म तो लोग परायों से करते हैं, अपनों से नहीं। अगर तुम नंदू को उनके पास नहीं ले जाओगे ना, तो मैं उसे इनके पास ले जाऊंगी। तेरे लिए मैं ये भी कर मरूंगा। अच्छा सरदार मोहन सिंह। अस्सलाम वालेकुम मोहन सिंह। खुशामदीद। खुशामदीद। सलाम वालेकुम चाचा। और खान भाई क्या हाल चाल? खुदा का शुक्र है, खैर सलाह। देखो बिरादर, ये हमारा दोस्त राम लुबाया है, ये उसका बेटा शरबती है। हम तुम्हारे पास थोड़ा इमदाद के वास्ते आया है। इनका बेटा शरबती को बहुत बढ़िया नौकरी मिलता है, स्टोर कीपर का नौकरी मिलता है। खान भाई हमको बोलो ना क्या कर रहे हैं। इनके नौकरी के लिए 2,500 रुपया जमानत का जरूरत है, अगर जमानत नहीं देगा तो नौकरी नहीं मिलेगा। तुम इनको रुपया दे दो, अगर ये वापिस नहीं करेगा तो हम करेगा, हम जिम्मेवार होगा। प्राजी मैं आपका बहुत बहुत एहसानमंद हूं और ये रुपया मैं आपको 3 महीने में लौटा दूंगा। एहसानमंद वाली बात की तो नोट वापस। बहुत <नहीं। laughs> देखो बिरादर, कुछ लिखत पढ़त दरकार है क्या? ओ खान भाई तुम आ गया तो लिखत पढ़त की क्या जरूरत है। अच्छा इजाजत, शुक्रिया, सत श्री अकाल। अतिकाल चाचा जी। हाँ भाई ओम प्रकाश। हाँ सवेरे सवेरे कैसे, क्यों दुकान नहीं खोलनी क्या? और जी तरह मेरा पुत्र है। ओए खोतिया, ओए तू कहाँ जा रहा है सवेरे सवेरे, बैठ जा काम कर ले थोड़ा सा। दारजी चाचा जी के लिए बंटे वाली बोतल लेने जा रहा हूँ। बंटे वाली बोतल दा पुत्र, और सवेरे सवेरे बंटे की बोतलें पिलाएंगे तो सारा दिन बोतलें ही पिलाते रहेंगे, बोनी बट्टा कुछ नहीं होना। क्यों अम्मी? अम्मी क्या बात है, मुंह क्यों लटका रखा है? सब ठीक है ना? क्या बताऊं मोहन सिंह, मुझे कहते हुए बड़ी शर्मिंदगी हो रही है। अबे कुछ बकेगा भी या लगाऊं दो हाथ? तुझसे कितनी बार कहा है मैंने बात को लटकाया मत कर। ये जनाब इस साल फिर फेल हो गए। इसमें इसका क्या कसूर है? अबे जितनी अकल तुझमें होगी उससे ज्यादा इसमें कहां से हो सकती है। तू हंस रहा है मोहन सिंह, इस नालायक के फेल होने से मेरे तो सारे अरमानों पर पानी फिर गया। ओमी जिंदगी में पास फेल तो चलता ही रहता है, लेकिन इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। वाहेगुरु सबका पालनहार है। हाँ एक बात तो साफ हो गई कि ये स्कूल जाने के लायक नहीं रहा। मुझे तो लगता है कि ये किसी के भी लायक नहीं रहा। ये तो तू समझता है ना, मैं तो नहीं समझता। ओए खोतिया थान लपेट लगा जी। चल फिर शुरू हो जा। इंदर पुत्र से काम सिखा। मैं तेरा बहुत शुक्रगुजार हूं मोहन सिंह, मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि अपने मुंह से तुझसे ये बात कैसे कहता। क्यों तेरी दाढ़ में दर्द है क्या? यार मैं नंदू के लिए ये बात कैसे कहता तुझसे, अपने बेटे के लिए ये बात तुझसे कैसे कहता? अच्छा नंदू खाली तेरा ही बेटा कहां से हो गया? वो मेरा भी बेटा है मम्मी। अगर नंदू पढ़ जाता
तो मेरा सिर फखर से तेरे से ज्यादा ऊंचा उठ जाता। पर अब नहीं पड़ा तो कोई बात नहीं, उसे किसी काम पे तो लगा नहीं है। रानी बेटा उठ, कुछ खा पी ले फिर सो जाना। हाँ कुछ खा पी ले और फिर सो जाएं। रानी है ना। ये कहाँ चले नवाब साहब सोए सुबह? दुकान पे जा रहा हूँ जी। दुकान पर? इतवार को? जी हाँ। इतवार को तो तेरी दुकान बंद रहती है। पिताजी ताया जी ने तो मुझे इंसान बना दिया, लेकिन आप हैं कि मुझे अभी भी आवारा गर्द का आवारा गर्द ही समझते हैं जी। आज है महीने की आखिरी तारीख और फिर इतवार भी, तो ताया जी तो करेंगे हिसाब और मुझे करनी है जी दुकान की सफाई। मुझे बना रहे? अरे वाह, इसमें बनाने की क्या बात है, सच तो बोल रहा है नंदू। तुझे तो इसका हर झूठ सच लगता है, लेकिन मैं जानता हूं उसे। जॉन, मैं खुद आकर के दुकान पर देखूंगा और अगर तू आज वहां नहीं मिला ना तो मार मार के गज तेरी हड्डी तोड़ दूंगा मैं। पिताजी अगर दुकान बंद हुई तो गज निकालोगे कहां से आप? गज तो हमारी दुकान के अंदर ही होगा ना। ओए, ये तेरे पे भी तेरे ताया का रंग चढ़ गया। पिताजी, ताई जी कहते हैं अगर ग्राहक से हंसकर बात करो तो वो जल्दी फंसता है। मैं चला पिताजी। आ जाओ भाई पुत्रो, तुमने थान संभाल दिए और मैंने हिसाब किताब कर दिया। आ जाओ। कौन है भाई? आज दुकान बंद है, कल आना। अजी मोहन सिंह जी, ये मेरे दोस्त की दुकान है, दरवाजे खोलो। अजी ओम प्रकाश जी, अगर तुम्हारे दोस्त की दुकान है तो अंदर आ जाओ, बाहर खड़े क्या कर रहे हो? आओ अम्मी, आज इधर कैसे? ताजी, पिताजी ये तसल्ली करने आए कि मैं वाकई दुकान पर हूँ या घर झूठ बोलकर आ गया हूँ। अम्मी ये ठीक कह रहा है? ओ कमबख्त, जवान बच्चे पर शक नहीं किया करते। वैसे तू आ गया है, बहुत अच्छा किया। आज मैं नंदू को उसकी जिंदगी की पहली कमाई देने जा रहा हूं। अच्छा है तू भी देख लियो। लो भाई बेटा, एक दो एक दो एक दो एक दो 40 रुपए। मोहन सिंह, नंदू को उतने पैसे दे जितने का कि वो हकदार है, उसको उसकी हैसियत से ज्यादा पैसे मत दे। मैं चाहता हूं वो अपनी मेहनत की कमाई खाए, अपने ताए की मेहरबानी पे नहीं जिए। ओ अकल के पैदल, ये नंदू की हक हलाल की कमाई है, कोई खराब नहीं। मुझे उल्लू मत बना, उससे पहले मैंने इतनी तनख्वाह कौन देगा? तनख्वाह? मैं इसे तनख्वाह दूंगा अपने जिगरी दोस्त, अपने छोटे भाई के बेटे को अपनी दुकान पर मुलाजम रखूंगा। ओम प्रकाश साहब, अगर इसने मुलाजमत ही करनी है तो शहर में और भी हजारों दुकानें हैं। मेरी दुकान पर मेरे यार का बेटा मुलाजम नहीं हो सकता, सिर्फ हिस्सेदार हो सकता है। मैंने नंदू और महेंद्र दोनों को बराबर के पैसे दिए, वो दोनों मेरे मुलाजिम नहीं है, मेरे मुनाफे के 10% हिस्सेदार हैं। अगर तुम्हें हिसाब किताब देखना है तो देख ले।
खोतिया, ओए मिठाई तो लेके आया, नमकीन तो तू ले आया है। जा इधर उधर क्या देख रहा है। प्राजी आज इतने सवेरे सवेरे क्यों बुला लिया? ओए प्रजाई, कौन सा तू हाथी पर चढ़कर आई है जो तेरा खर्चा हो गया है? मुझे पता है ओम्मी तुझे पैदल ही चला कर लाया होगा। मोहन सिंह यार, चलती फिरती रहेगी तो सेहत अच्छी रहेगी, देख ले हर वक्त चाप चौंध रहती है। ए कुड़िये, तू यहां क्यों बैठी है? जा जाके सेहत बना, रसोई से चाय पानी लाने में अपने भाई महेंद्र की मदद कर। ताया जी उसी को लाने दो, रसोई का काम सीख जाएगा तो इसकी बीवी को परेशानी नहीं होगी। तेरी भी जुबान बहुत चलने लग पड़ी है अपने ताए की तरह। ताया जी आपसे ये नहीं सीखूंगी तो और क्या सीखूंगी? अच्छा बच्चू, अगर ये बात है तो तुझे आज ही इस घर से दफा करने का बंदोबस्त करता हूँ। जुबान चलाना जाकर अपने घर वालों से। भगा दिया ना उसे। इसे भगाने का तरीका मुझे ही आता है। बस प्राजी, इसी एक मजाक से तो लड़कियां शर्माती हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भरजाई। ओम प्रकाश, मैंने रानी के रिश्ते के लिए हाँ कर दी। वो कर दी? अरे मुबारक, ये तूने बहुत अच्छी बात की भाई, बहुत अच्छी। तेरा लाख लाख शुक्र है, मुबारक हो। तूने बड़ा अच्छा किया मेंटर। शुक्र है भगवान, हमारा रास्ता भी खुला। बिल्कुल। क्या मेरी शादी उस परचूनिया की लड़की के साथ, उस कंगली के साथ तय किया आपने? ओ शरबती लाल, कभी तो अकल की बात सोचा कर। ओम प्रकाश बड़ा खानदानी और नेक आदमी है, और हमें क्या चाहिए? रानी दो घरों की बेटी है, और फिर मोहन सिंह उसकी शादी में कोई कसर थोड़ी उठा रखेगा। ओए प्रभा, पूछ तो सही, मैंने हाँ कहाँ की है? वे अनपढ़ वाली बात की है क्या? मैं अनपढ़ हूँ और तू पढ़ा लिखा? कम से कम तुझसे तो ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ मोहन सिंह। तुझसे तो ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ मोहन सिंह। अबे जितनी किताबें तूने लिखी है ना वो मैंने सब पढ़ रखी है। अजी बता अभी तो ना, कहाँ रिश्ता किया है? ओ भलिए लोके, ये पूछे तो बताऊँ ना। मैं क्यों पूछूँ, तू मुझसे ज्यादा उससे प्यार करता है, मुझे मालूम है तूने किसी अच्छी जगह पर रिश्ता किया होगा। तो फिर मैं तुझे बता ही देता हूँ, रिश्ता किया है राम लुभाया के बेटे शरबती लाल से। मैंने सब सोच समझ कर फैसला किया है, अगले इतवार वो लोग आपके घर आ रहे हैं, और यही बताने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। प्राजी, जब सब कुछ आप ही कर रहे हो तो शगन भी अपने घर से ही दे देते। दे तो देता, पर मेरा मतलब था कि अपने घर पर रानी चोरी छुपे लड़के को देख लेती। ये क्या कह रहे हैं आप प्राजी, शादी से पहले हमारे में लड़कियां लड़कों को नहीं देखती। मैंने देखा था इन्हें? नहीं देखा था ना। नहीं, तभी तो इतना बदशक्ल आदमी से तेरी शादी हो गई।
दरिया समुंदरों डूंगे कौन दिला दी।